अकबरपुर लोकसभा में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। सर इंडिया गठबंधन को किस तरीके से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन पूरे देश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और स्पेशली कानपुर की सभी सीटों पर राजा राम पाल जी और आलोक मिश्रा जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा मानना है इंडिया गठबंधन इस बार पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय तक के लिए सफा कर देगा और साथ ही साथ नौजवान, किसान, बेरोजगार, महंगाई से आम जनता और गरीब आदमी बहुत त्रस्त है और इसलिए बदलाव के मूड में है। और पूरा देश इस वक्त बदलाव चाहता है, मोदी साहब की सरकार को हटाना चाहता है, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना चाहता है और वो दहशत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चेहरे पर पढ़ी जा सकती है। सर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। मोदी जी संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा लाए हैं और पूरा देश ये जान चुका है, खासकर जो पिछड़ा और दलित है वो जान गया है कि अगर संविधान बदल गया तो हमारे साथ इंसाफ कभी नहीं होगा, हमें बराबरी का हक कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो है जितने भी लोग हैं अल्पसंख्यक और पिछड़े और दलित, उनने सबने तय कर लिया है कि इस बार मिल करके 85% लोग हैं, ये उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनानी और भाजपा को जड़ से उखाड़ना ताकि बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को कोई बदल न सके। तो ये थे हमारे साथ सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। के न्यूज इंडिया के लिए कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा।